लागे है गोपाल फाड़। अजी सुनिए, राज्यसभा में काम कर रहे हैं और महीने का अच्छा खासा तनख्वाह उठा रहे हैं और ऊपरी कमाई भी कर रहे हैं और घर की पत्नी को दासी बना के रखे हैं। अरे क्या जरूरत है, जल्दी साफ साफ बताओ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि एक नौकरानी रख लीजिए, घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना वो करेगी। केवल नौकरानी ही नहीं, एक नौकर भी लाना होगा। नौकरानी घर की सफाई और बर्तन धोने के काम आएगी। नौकर बाजार लाना, पशुओं को खिलाना पिलाना और कपड़े धोने का काम करेगा। तो फिर सब काम में देर किस बात की जाइए, एक नौकरानी नौकर को ढूंढ के लाइए। इतना कष्ट जो मैं करता हूँ, चाहूँ तो तुम्हारे लिए भूत के मुँह से भी राम राम निकलवा। चलता हूँ लक्ष्मी। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, सुनिए, सुन के जाइए। सचमुच लक्ष्मी, भोजन इतना स्वादिष्ट बना था ना, क्या बताऊं तुमको, अमृत, एकदम अमृत था। जितना नौकर नौकरानी रखो ना क्यों, भोजन लेकिन तुम ही बनाओगी, याद रखना। प्रणाम जी गोपाल बाबू। प्रणाम जी लक्ष्मी। आवाज लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे हम लोग भीख लेने नहीं आए हैं, आप काम के लिए आदमी ढूंढते थे इसीलिए आए। नाम क्या है? अजी नकुल। और साथ की स्त्री? क्या मेरी पत्नी बतासी है? बाप रे बाप, बतासी नकुल दाना सब एक साथ, छेना कहाँ है? यारा यारा। अरे वाह, बताशा नकुलदाना छेना सब एक ही साथ सजा कर लाए हो, क्या क्या काम करना होगा जानते हो? क्या क्या काम करना है वो सब मुझे पता है, सिर्फ आप बताइए कितना तनख्वाह दीजिएगा। खाना पीना मिलेगा, साल में 4 साड़ियाँ मिलेगी और महीने के 12 रुपए मिलेंगे, समझे तुम लोग? बोलो तैयार हो? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है तब आज से ही काम शुरू करो। हाँ हाँ माँ जी, बताइए बर्तन धोने वाला जगह कहाँ है? उधर उस कुएं के पास। ठीक है माँ जी, चल बेटा चलते हैं। लक्ष्मी रात कितनी हो चुकी पता है? सोओगी नहीं क्या? आप सो जाइए, मैं इस कपड़े को सिल के सोऊंगी। महाराज कृष्ण चंद्र का परामर्शदाता गोपाल, जिनके दाएं बाएं दोनों हाथ में काम है, घर में 2 नौकर है, उसकी पत्नी फटे कपड़े सिलाई करके पहनेगी? छी 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 छी, इससे लोग क्या कहेंगे पता है? गरीब की पत्नी को ज्यादा सजना सवरना ठीक नहीं। इसमें रोने की क्या बात है, बताओ क्या हुआ है, यह तो बताओ पहले, सुने पहले पूरी बात बताओ, उसके बाद बिलक बिलक कर रो। आज तालाब में पानी भरने गई थी। तालाब से नवीन की बीवी भी आई थी पानी लेने, और वो कान में सोने के झुमके पहनी थी। झुमके पहन के कितना वो इतरा रही थी और मुझे कितना ताने सुना रही थी कि हाँ घर में 2 नौकर है और गहने एक भी नहीं। सुन के मुझे कितना शर्म आ गया। ओहो यही बात है, अच्छा अच्छा, तो मैं कल ही सोनार के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए 2 जोड़े कनफूल ला दूंगा। ए देखो 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 मेरी गुड़िया रानी, अब तो थोड़ा हंस दो। अरे हंसो हंसो, आहा जाइए, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, जिसे कोई देखने ना पाए वही व्यवस्था करता हूँ। श्याम एकदम फालतू बात मत करो, मैं तुमको बोला था सीता मटर। अरे नहीं, आप मटर बिछिया बोले थे? हाँ सीता मटर बोला। अरे श्याम किस बात का झगड़ा हो रहा है? देखो ना गोपाल, तुम्हारी चाची श्याम को सीता मटर हार के बारे में बोली थी, यह मटर बिछिया तैयार कर दिया है, अब तुम ही विचार करो। सीता मटर कोमल लड़कियाँ पहनती, चाची क्या छोटी लड़कियों के कपड़े पहनती है क्या जो सीता मटर पहनेगी?
मटर बिछिया और सीता मटर में किसका वजन ज्यादा है? सीता मटर का 4 तोले से कम में नहीं होता है। 2 जोड़े कनफूल बनाने में कितना सोना लगता? यही पकड़िए, आधा भरी। 1 भरी का दाम 10 मुहर है, इसका मतलब सब मिलाकर लगभग 4 मुहरे लगेंगे। तो सुनो, मैं हिसाब में तुम्हारे पास 4 मोहरे पाता था, तुम्हें तो जरूर याद होगा। हाँ हाँ, याद है। तो क्या हुआ है, बोलो। ना ना, बोल रहा हूँ, जब तुम मिल ही गए हो, श्याम को भी कुछ अग्रिम राशि देनी होगी। इधर घर से आते समय मैं मुद्रा भी ज्यादा नहीं ले आ पाया। तब तुम पावना रकम मेरा दे दो, श्याम को अग्रिम दे दूँ। तुम मुझे ऐसा समझते हो? मांगूंगा नहीं, चाची के लिए सीता मटर हार बनवा रहे हो, और मेरे चाहने पर ऐसे? ऐसा मत करो, बूढ़ा हो चुका हूँ, लड़कों के सहारे रहता हूँ, इतनी रकम कहाँ से पाऊंगा, बोलो। ऐसी बातें कहकर भुलवाओ मत, जल्दी जल्दी रकम निकालो। दे रहा हूँ। याद रखना, ये काम अच्छा नहीं किया गोपाल। ओ चाचा, मेरी समस्या क्या होगी? छोड़ो, तुम्हारा कोई गहना नहीं चाहिए मुझे। यह बहुत बड़ा बदमाश है। क्या हुआ, ठीक से सोच कर देखो रघु, कर पाओगे तो? अरे चाचा, लाठी की कसम खाकर कहता हूँ, एक ही बार में उसे यमलोक पहुँचा दूंगा। हाँ, इसको यमलोक पहुँचाने की बात हो रही है, मैं भी जरा सुनूँ तो। वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह गोपाल है। ये सब बात छोड़कर पहले ये बताओ, वो कहाँ मिलेगा? सुनो। नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, चलता हूँ, जल्दी जल्दी घर चलता हूँ। क्या क्या, तुम ठीक से सुने हो तो? नील की आँखें और नकुल के कान कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। मेरे दिमाग में एक बात आई है, सुनो नकुल। समझ गए? हाँ हाँ, मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ, आप एकदम चिंता मत करें। जा रहा हूँ लक्ष्मी, उधर हरिधन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जाइए जाइए, ठीक से जाइएगा। जय माता जी, जय माता जी। क्या माँ जी, चुपचाप बैठे क्यों हैं? कल रात से पता नहीं क्यों डर लग रहा है। बतासी पति जब घर से बाहर रहते हैं तो थोड़ा मन ऐसा लगता है। माँ जी देखिए, कौन आ रहा है आपके घर पे? अरे ये तो वो है, उनकी दोस्त। अरे भैया क्या हुआ है, आप वापिस आ गए हैं? आपका तबीयत ठीक है ना? अरे वो कहाँ है, चुप क्यों है आप? भाभी, क्या हुआ है उनको? गोपाल, चुप मत रहिए, बताइए ना क्या हुआ है। कल रात में उल्टी करते करते मर गया। जी, अब कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? जी मैं किसके साथ रहूँगी? चाचा, गोपाल मर गया। क्या रे, कैसे? कल रात पूजा करने शिव मंदिर जा रहा था, बार बार उल्टी आने से मर गया। शिव मंदिर जाते जाते कैलाश पहुंच गया, ठीक है अब तो रास्ता साफ हो गया। अरे शमशान जाओगे क्या? ना, वो सब काम तो रात में ही हो गया। अब उसकी पत्नी का मंगलसूत्र उतारना और सिंदूर धोना बाकी है, इसी के लिए भाग दौड़ हो रही है। पड़ोसी और रिश्तेदार? नहीं नहीं, गाँव के ही कुछ लोग हैं। हाँ, एक तीर से 2 शिकार किया हूँ, तो आज रात में उसके घर में आग लगाकर उसकी पत्नी को भी मार डालो, और उसकी सारी संपत्ति भी अपने हाथ में आ जाएगी। शुद्ध का शुद्ध और मूलधन भी मिल गया। बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी चलो। यही तो चल रहे हैं। ओ शर्मा चाचा,
ओ शर्मा चाचा। तुमने आवाज दी क्या? नहीं तो। ओ शर्मा चाचा। अरे चाचा, यह तो गोपाल की आवाज है। वह तो मरकर भूत हो गया है, वो कहाँ से आएगा? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे गले में जनेऊ है, मैं भूत से नहीं डरता और विश्वास भी नहीं करता हूँ। ओ चाचा, ओ रघु। वही आवाज फिर से। अरे भूत, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। मैं तुम लोगों के पीछे ही हूँ, जरा मुड़ कर देखो। राम 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 राम। कैसे हैं चाचा? अच्छा हूँ। इतनी रात में जल्दबाजी करके कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर में आग लगाने? मेरे घर में आग लगाओगे? आज ही तुम दोनों की गर्दन मरोड़ूंगा। अरे बाप रे बाप, भागो भागो भागो। महाराज, मुझे लगता है गोपाल का यथोचित अंतिम संस्कार नहीं हुआ। आप स्वयं कल उसके घर जाकर उसकी आत्म शांति के लिए आत्म संस्कार का क्रियाकर्म संपन्न करें। उसके साथ 100 ब्राह्मणों का भोजन और दान देने की व्यवस्था करें। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तुम लोग जाओ, अंतिम संस्कार के समय कल गोपाल के घर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, तब आज्ञा दे। हाँ हाँ, आइए आइए आइए। आज भोजन बहुत दमदार हुआ है, हा? क्या चाचा? हाँ, तुमने जो बोला ठीक है। रात में लालटेन और कुछ लकड़ी लाते तो बहुत ही अच्छा होता। क्यों? सामने बाग बगीचा के पास बहुत डर डर लगता है। कुछ नहीं होगा, राम नाम जपते जपते चलते रहो। शरीर के रोए रोए खड़े हो रहे हैं। राम 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 राम। तो इन दोनों को मार मार के गला बड़ोड़ के खाऊंगा। मैं इन दोनों का मांस नोच नोच के खाऊंगा। वो चाचा, वो अब कौन आ रहा है? तुम लोगों का खून पीऊंगा, हार्ड मांस खाऊंगा और चमड़े की ढोल बनाकर उस बांस के ऊपर बैठकर मजे में बजाऊंगा। लगता है गोपाल का भूत हम लोगों की गर्दन मरोड़ेगा। भागो चाचा, भागो भागो। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ जाओगे बच्चे? गोपाल के घर में आग लगाना और गोपाल को मारने का सजा तो मिलेगा ही। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। महाराज बचाए हमें, बचाइए हमें। दाह संस्कार और आत्म शांति करने के बाद भी क्या गोपाल का भूत तुम लोगों को खदेड़ रहा है? अरे गोपाल का भूत केवल तुम लोगों को ही क्यों परेशान कर रहा है? गोपाल के घर आग लगाने गए थे इसलिए। आग लगाने गए थे मतलब? उसके पिता से मैं बाल बनवाता था, उसके पिता कुछ मुद्रा पाते थे। कुछ दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई और परसों जब मैं गहने खरीदने निकला था तो वही बाकी मुद्रा गोपाल मुझसे जबरन वसूला था इसलिए। छी 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 छी, यह बहुत बड़ा अन्याय है और इसका दंड तुम दोनों को भुगतना ही पड़ेगा। सिपाही, कैद कर इन्हें कारागार में डालो। महाराज, इस बार दया करके छोड़ दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं भी वादा करता हूँ, जीवन में ऐसा अपराध कभी भी नहीं करूँगा। हाँ महाराज। बाप रे बाप, भूत भूत बाप। ये लोग जब अपना अपराध खुद स्वीकार कर लिए हैं तो छोड़ दिया जाए महाराज। गोपाल, मुझे मत मारो, मैं गया जाकर तुम्हारा पिंडदान कर दूंगा, छोड़ दो मुझे। क-
क्या महाराज, मैं मरा कब था कि जो आप मेरा पिंडदान कर देंगे? हाँ, शर्मा और रघु द्वारा मुझे जान से मारने की योजना बनाने की बात मेरा नौकर नकुल सुन लिया था, इसलिए मैंने भी यह चाल चली थी। आज शाम मैं अपने मित्र हरधन के घर जाऊंगा और इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, समझ गए? तुम ध्यान रखना। तब लोगों को मैं क्या बताऊंगा? तुम बोलोगे कि मैं शिव मंदिर में पूजा करने गया हूँ। उसके बाद? उस रात जब मैं शिव मंदिर पूजा करने जा रहा था तो रास्ते में ही उल्टी करते करते मर गया, यही खबर लेकर हरदन आएगा, शिव का खबर देगा, खबर चारों ओर फैल जाएगी और बदमाशों को पकड़ने में आसानी और सुविधा होगा, समझ गए? हाँ, तब तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन सावधान, मेरे जीवित रहने की खबर कोई जान न पाए, और हर समय शर्मा के ऊपर नजर रखोगे और समय निकाल कर उनके गोपनीयता की खबर हमें देते रहना। ठीक है मालिक, इसकी चिंता आप एकदम नहीं करना। महाराज, इसके बाद तो आप सब जानते हैं। सब कुछ तो समझे, लेकिन ये तीनों कौन है? यह नकुल का लड़का छेना है और ये दोनों उसके दोस्त हैं। इनके नाम हैं रामू और श्यामू। आप जिंदा हैं, मरे नहीं? सुन के मेरी क्या हालत हो गई थी आपको पता भी है? सुनिए, रुकिए, अभी मैं आपकी खबर लेती हूँ। अरे बाप रे बाप, बचाओ 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 बचाओ, 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 बचाओ।